नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जैनल है। ये मेरा चैनल है डी आर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं आप लोगों के लिए टेक के वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। और दूसरा चैनल मेरा डी आर वर्टिकेटर, जहाँ मैं यूट्यूब से रिलेटेड ट्यूटर हिंदी में बनाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड करी हुई है और आगे भी मैं इन फ्यूचर अपलोड करता रहूँगा। तो हमारे इस चैनल को और डी आर वर्टिकेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं डी आर टेक्नोलॉजी के लिए एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसके अंदर देखेंगे कि अपने होस्ट रिलेटेड ईमेल आईडी को ना ऑटोमेटिक अपने आउटलुक के अंदर कैसे कॉन्फिगर करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक होस्ट रिलेटेड अकाउंट लिया था, उसके अंदर मैंने कुछ डोमेन कॉन्फिगर किए और एक मैंने आईडी क्रिएट करा था। अब मैं चाहता हूँ कि उस आईडी को मैं ना होस्ट रिलेटेड की जो आईडी है, ईमेल आईडी, उसको मैं आउटलुक के अंदर कॉन्फिगर कर लूँ, ताकि मैं उसकी ईमेल वहाँ से यूज कर सकूँ। इसके लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में आउटलुक होना चाहिए, जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है। तो मैंने अपने कंप्यूटर में आउटलुक 2030 है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2030 के अंदर ही आउटलुक होता है। ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे कि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने किया हुआ है। अब इसके अंदर मुझे उस ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करना है, जो मैंने होस्ट रिलेटेड के अकाउंट के अंदर क्रिएट करा हुआ है। उसको मैं ऑटोमेटिक आपको कॉन्फ़िगर करूँगा, तो आपको मैं बताता हूँ कुछ से कॉन्फ़िगर करता है। अगर आपने ईमेल आईडी क्रिएट कर रखा है, तो उस आईडी को आउटलुक के अंदर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो और ईमेल आईडी को आप यहीं से यूज कर सकते हो। जब आप आउटलुक खोलिएगा, तो आप फाइल में जाइएगा, अकाउंट सेटिंग, फिर अकाउंट सेटिंग, न्यू पे क्लिक कीजिएगा। ईमेल के अंदर न्यू पे, यहाँ पे आप नाम डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालिएगा जो आपने क्रिएट कराया हुआ है, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी है और इसका पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना, इसको ऑटो पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपको क्लिक नहीं करना इसका, इसको आपको नेक्स्ट करना है। ये ऑटोमेटिक आपको ऑटो के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाएगा, इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती ना। आपको सिर्फ आपको ईमेल आईडी या पासवर्ड डालने की ज़रूरत होती है। इसको अलाउ करना है, अलाउ, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये अपने सर्वर से ऑटोमेटिक ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो आप लोग वेट कीजिएगा जैसे मैं वेट कर रहा हूँ। नेफ्ट लगता है इसको सर्वर में कोई दिक्कत आ रही है मेरे ख्याल, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको ले लेता है, देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपके कंप्यूटर में नेट चालू होना चाहिए, उसके बाद ही कॉन्फिगर हो सकता है। हो सकता है मेरी नेट की स्पीड थोड़ी स्लो थी, इसलिए नहीं ले रहा था। तो नेट चालू रहेगा तो ये ऑटोमेटिक कॉन्फिगर कर लेगा, ये देखिए। और इसको मैंने फिनिश किया और इसको मैंने बंद कर दिया। ये देखिए हमारी आईडी यहाँ पर कॉन्फिगर हो गई है। अब मैं एक मैं टेस्ट मेल आपको चेक करता हूँ। ये देखिए मेरे पास मेल भी आ गई, ठीक है। अभी आइए 12:01 में ये कॉन्फिगर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपने होस्ट रिलेटेड का डोमेन ले रखा है और होस्टिंग ले रखी है, डोमेन तो आप किसी का भी ले सकते हो। अगर आपने होस्टिंग होस्ट रिलेटेड का ले रखा है और उसके अंदर अगर आपने आईडी क्रिएट कर रखा है, तो आप आउटलुक के अंदर उस आईडी को ऑटोमेटिक कॉन्फिगर कर सकते हो, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। और जाते जाते आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारी डी आर टेक्नोलॉजी को और डी आर वर्टिकेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।